बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन में डिप्रेशन ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको डिप्रेशन की असल वजूहात और सिर्फ 3 दिन में डिप्रेशन ख़त्म करने वाली उस दुआ में शामिल होने का तरीका भी बताएंगे जिसमें पूरी दुनिया से 40 लाख अफराद रोज़ाना शामिल होकर रहमत इलाही से फैज़ पा रहे हैं। नाज़रीन, डॉक्टर्स का कहना है कि इंसान के जिस्म में पाया जाने वाला सबसे अहम हार्मोन जिसे सीरोटोनिन कहा जाता है, इसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, ये इंसान के मूड को कंट्रोल करता है। ये अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाए तो इंसान बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसके लेवल को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स एंटी डिप्रेशन मेडिसन देते हैं जिससे डिप्रेशन कदरे कम तो हो जाता है, मगर रिसर्चर्स के मुताबिक डिप्रेशन की वजह सिर्फ हार्मोन्स की बेतरतीबी ही नहीं है बल्कि जिन लोगों के दिमाग का अहम हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं और ये यादों और जज्बात को कंट्रोल करता है, जिसकी ग्रोथ स्लो होने के सबब इसका साइज छोटा रह जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है स्ट्रेस। इस बीमारी में इंसान कुछ वक्त के लिए खुश हो जाता है और फिर अचानक से बगैर किसी वजह के दुखी हो जाता है। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि जब सीरोटोनिन अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाए तो ये खुद ब खुद ऐसे केमिकल खारिज करता है जिससे ब्रेन सेल्स का ग्रोथ बढ़ने लगता है और डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। मगर बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जिनका कहना है कि उनका डिप्रेशन किसी भी किस्म की अद्वियात या इलाज से ठीक नहीं होता। ऐसे अफराद को हम दुआ प्रोग्राम में शामिल होने की दावत देते हैं। ये वो दुआ प्रोग्राम है जिसमें उन अफराद को भी शामिल किया गया जिन्हें 10-10 साल से डिप्रेशन था। दुआ प्रोग्राम में शामिल होने से पहले ही दिन उनका डिप्रेशन हैरानकुन हद तक कम हो चुका था और 3 दिन के अंदर अंदर तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी शफा अता फरमाई कि डिप्रेशन का नामो निशान तक बाकी ना रहा। उन अफराद ने अपने जिस्म में एक नई तवानाई महसूस की, खुशी के एहसासात फिर से एक्टिव हो गए, उनकी कुव्वत मुदाफ़त में भी बेपनाह इजाफा हुआ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस दुआ में शामिल होने से इंसान की तवज्जो पूरी तरह अपने रब की जानिब मरकूज होती है और दुआ प्रोग्राम के तमाम मेंबर्स भी उसके लिए अल्लाह के हजूर दुआ गो होते हैं। इसीलिए अल्लाह की रहमत का उस इंसान पर नजूल होता है जो हुक्म खुदाबंदी से सीरोटोनिन के लेवल को एक ही झटके में नॉर्मल कर देती है, यानी खुशी के हार्मोन को फिर से एक्टिव कर देती है, जिससे ब्रेन सेल्स की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है और अपने नॉर्मल साइज में आते ही ये इंसान के अंदर से बेचैनी और डिप्रेशन को ख़त्म कर देती है। नाज़रीन, मुशाहिदात में आया है कि अगर डिप्रेशन की वजह नफ्सियाती हो तो वो सिर्फ 3 दिन की इस दुआ से ही 100% ख़त्म हो जाती है, जबकि जिस्मानी वजूहात के बायस होने वाले डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए 3 से 7 दिन तक इस दुआ में शमूलियत जारी रखें, इंशाल्लाह शिफा ज़रूर मिलेगी। नोट, मुश्किलातें ज़िंदगी में मुब्तला हर इंसान ज़िंदगी में कम अज़ कम एक बार सिर्फ 3 दिन इस दुआ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो ताकि डिप्रेशन की छुपी हुई या ज़ाहिर तमाम अलामात आपके वजूद से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और खुशी का हार्मोन अल्लाह की रहमत से हमेशा एक्टिव ही रहे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, दुआ में शामिल होने का तरीका जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए दुआ प्रोग्राम के लिंक पर क्लिक करें और आपको ये वीडियो कितने परसेंट पसंद आई हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।